कैप्टन मार्वल का हिंदी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ये एक्चुअली 7 घंटा पहले आ गया था, और क्योंकि मुझे भी पता चला, मैं बाहर था, मैं घर आया हूँ तो पता चला है। तो अभी इसका ट्रेलर देखते हैं और फिर बताते हैं कैसी होगी ये। और क्योंकि इसका इसका पहले रिलीज होना ज़रूरी था, क्योंकि इसका पूरा पूरा लिंक एवेंजर 4 से होगा। तो जिसको पूरी सीरीज़ के बारे में पता है एवेंजर की और बाकी मार्वल की थोड़ी बहुत, तो उसको पता होगा कि ये मूवी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप्टन मार्वल का पूरा पूरा रोल आने वाला है उसमें एवेंजर 4 में। तो ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट होगी एवेंजर 4 के लिए, और वो भी 2019 में आ रही शायद, रूमर्स तो हैं। तो ये पहले आएगी, 8 मार्च को रिलीज़ होगी, काफ़ी, तो 4 महीने बाद खुद ही आ रही है, और ट्रेलर अभी दे दिया पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी देखते हैं ट्रेलर कैसा होगा। तो स्क्रल्स विलन है। और तुम क्री हो, यानी कि फाइटर योद्धा टाइप, सुपर हीरो, सुपर हीरो टाइप योद्धा। मौत के मुंह से छीन कर तुमने जिंदगी पाई, जब तुम हमें मिली तब ना होश था ना याददाश्त, हमने तुम्हें अपनाया, अद्भुत शक्तियां दी, एक वजूद दिया, एक नया जन्म दिया। कुछ धुंधली यादें हैं, लगता है मेरा बीता हुआ कल मेरे आने वाले कल को राह दिखाएगा। तुम इसे उड़ाना जानती हो? उड़ा के देखें। पूछ रही हो या बता रही हो? हाँ, जानना चाहती हो कि तुम वाकई हो कौन? ऐसा लगता है मैं यहाँ की हूँ। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम में अद्भुत शक्तियां जरूर हैं, पर ये जंग तुम्हारे पास की नहीं। ये जंग तो बस एक शुरुआत है। जंग शुरू भले ही तुमने की हो, खत्म मैं करूंगी। कितनी प्यारी हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जो धूप पियोगी? फ्यूरी। मैं अभी आया। 8 मार्च, 3D Max 3D। ओके, तो मूवी बढ़िया है, देख के तो लग रहा है ट्रेलर की बढ़िया होगी। और कैसे लिंक करेंगे इसको, और ये कैसे थैनोस को मारेगी, देखना पड़ेगा। काफ़ी पावरफुल दिखाया है इसके कैरेक्टर को। टाइम देखा जाए तो ये पास्ट की स्टोरी है, क्योंकि इसमें निक फ्यूरी काफ़ी यंग लग रहा है, और फिर उसको फ्यूचर में लाएगा, कैसे लिंक करेंगे एवेंजर 4 में, ये बहुत सस्पेंस वाली बात है। तो इससे इन्होंने काफ़ी हद तक, और हो सकता है मूवी में कुछ ऐसा दिखा दें ख़त्म होते होते कि इसका एवेंजर 4 से क्या लिंक होने वाला है और कैसे ये वहाँ जाएगी, क्योंकि जैसा दिखा रहा है इसमें कुछ टाइम ट्रेवल जैसा तो नहीं था, लेकिन चलो वो तो मूवी देख के पता चलेगा। तो ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा था। कुछ अभी ट्रेलर देख के नहीं समझ में आया कि इसका एवेंजर्स से या फिर बाकी चीज़ों का क्या लिंक है, सिर्फ निक फ्यूरी के अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा लिंक, और यही एक बड़ा लिंक है निक फ्यूरी। तो देखते हैं, अभी 8 मार्च को मूवी आएगी तो फिर पता चल ही जाएगा कैसी है। बाकी वीडियो चली गई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बताना कि कैसा लगा। तो बाय बाय।